नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों की नई तरीके से रेसिपी। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है, उसमें नमक और हल्दी डाल के उसे मिक्स कर लूँगी। पानी भी डाला है इसमें मैंने, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा जैसा रखना है। अब मैं अरबी के पत्ते लूँगी, तो अरबी के पत्तों में इसे मैं पूरे में लगाऊँगी, थोड़ा थोड़ा इसमें सारे में लगा के बेसन सारे पत्तों में मैं ऐसे ही करूँगी। अब मैं इसको फोल्ड करके इसके रोल बनाऊँगी। ये मैंने इसका रोल बना के सारे पत्तों के मैंने ऐसे ही रोल बनाए हैं। अब मैं इसको बॉईल करूँगी, जो कि मैंने कुकर रख दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। अब मैं ये रोल इसमें पकाने के लिए रखूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं एक बेसन लगाऊँगी इसमें, ये मैंने ये बॉईल करके इसके छोटे छोटे पीस बनाए। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फ्राई करना है मैं ये छोटे छोटे पीस, जैसे पक के बॉईल करके उसके छोटे छोटे पीस काट के फिर इनको फ्राई कर लूँगी। ये फ्राई हो गए हैं तो इसे मैं साइड निकाल लूँगी। अब इसको निकाल लूँगी, अब मैंने इसमें तड़का लगाऊँगी। ये मैं बना रही हूँ टमाटर वाले तड़के में, मैंने प्याज लहसुन डाल दिया है। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, जीरा, धनिया, काली मिर्च वगैरह, वो सारे पीस लूँगी मैं और उनको डाल लूँगी इसमें। हल्दी डाल दी मैंने। अब मैं इसमें टमाटर डाले हैं, टमाटर में ही मैंने हरी मिर्च पीस ली थी तो इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें पानी लगा के और नमक डाल के फिर मैं इसमें एक कटोरी बेसन लगाऊँगी, घोल के बेसन घोल के लगाना है। तो ये मैंने इसमें अरबी के पत्तों की जो छोटे छोटे पीस बनाए थे वो मैंने इसमें डाल लिए। कुछ देर तक इसे बॉईल करूँगी मैं। ये मेरी रेसिपी अब तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।